किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद वृद्ध पति पत्नी की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मथुरा के सुरीर कस्बे में करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम ब्योही में बीती रात दो पक्षों में हुए झगड़े की परिणति में मंगलवार सुबह लाइसेंसी बंदूक से वृद्ध पति पत्नी की गोली मारकर निर्मम हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। दिन दहाड़े हुई दंपति की निर्मम हत्या से जिले की पुलिस सख्ते में आ गई है। सूचना मिलते ही पुलिस के मुखिया डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी देहात श्रीश चंद मौके पर पहुंच गए। घटना के पीछे देसी शराब बनाने का सामान एकत्रित करने की चर्चा है। पुलिस ने इस मामले में गुलवीर कोमल सहित तीन अन्य लोगों को पकड़ लिया है। उनके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरीर कोतवाली के ग्राम ब्योही में सोमवार की रात्रि गुलवीर एवं अशोक पक्ष में खेत से धान की गंध निकलने को लेकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें परिवार के ही सदस्य कुपरपाल ने बीच बचाव करना चाहा तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। मंगलवार सुबह गुल्ली उर्फ अशोक का लड़का राजेश घर से निकलकर खेत की ओर जा रहा था, तभी उसकी दूसरे पक्ष के लोगों ने पिटाई कर दी। इस बीच उसे बचाने आए 65 वर्षीय गुल्ली और उनकी पत्नी 60 वर्षीय गीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पति पत्नी की हत्या की सूचना से गांव एवं आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी पक्ष के लोग दलबल सहित फरार हो गए। समूचे क्षेत्र में हत्याकांड की चर्चा जोरों पर है। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। ये आज सुबह एक थाना सुरीर के पिहोई गांव से जानकारी प्राप्त हुई कि वहां फायरिंग हुई है। तत्काल पुलिस ने मौके पर जब पहुँच के देखा तो श्री अशोक और उनकी पत्नी गीता, उनको गोली लगी है। उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली दोनों की गोली लगने से डेथ हो गई है, तो बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया ये जो घटना कारित करने में गुलबीर, बलराम व कोमल, इनकी भूमिका पाई गई है। ये बिल्कुल उनके सगे रिश्तेदार हैं और पड़ोस के घर में रहते हैं। इनको हिरासत में ले लिया गया है और जिस वेपन से फायर किया गया है उसको भी बरामद कर लिया गया है। परिवारीजनों द्वारा इसमें तहरीर दी जा रही है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इस घटना के जो मुख्य रूप से कारण रहे हैं वो सामने जो प्रथम दृष्टया बात आ रही है कि कल भी कुछ विवाद हुए हैं या अगर पहले से भी कोई विवाद चल रहे हैं, तो उस संबंध में भी सारी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर रही है।